नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरवी अटेंडेंट 2021 की सीरीज़ में रीजनिंग का आज का डे 3, जिसमें आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक। ठीक है, चलिए बिना बगवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये रहा सवाल, सबसे पहले इस क्वेश्चन जो देखने को मिला है वो पज़ल रहा है, तो पज़ल हम पहले नहीं सॉल्व करेंगे, पज़ल हम आखिरी में करेंगे। सबसे पहले जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये रहा पहला सवाल। क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर इक्वेशन दे दी है, हमें बताना है पहला जो कॉन्क्लूजन है उसमें बताना है टी क्या बड़ा है हमसे। अब देखो, टी क्या बड़ा है हमसे, ये एक इक्वेशन अलग है और ये एक इक्वेशन अलग है। ठीक है, दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है वहाँ पर, तो दोनों को कनेक्ट करने का जो काम कर रहा है वो कर रहा है वी। ठीक है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है वी। ठीक है, सीधा सीखा दिख रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ से इस पूरे टर्म को हटा दें तो टी क्या बड़ा है एम से, जी बिल्कुल बड़ा है एम से। ठीक है, और दूसरा जो बताना है हमें, क्या के बड़ा या बराबर है एल से, तो दोनों में कनेक्टर का जो काम कर रहा है किससे, एल से, वी कर रहा है। अगर हम वी बड़ा है एल से, ठीक है, वो क्या बड़ा, के बड़ा और बराबर है वी से, तो आंसर क्या होगा कि के बड़ा हो जाएगा एल से, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा, पहला वाला आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा। अब हमें सी और एल में रिलेशन बताना है वहाँ पर। ठीक है, किस में, सी और एल में वहाँ पर रिलेशन बताना है। कनेक्टर का काम कौन करेगा वहाँ पर, एन करेगा, सी और एल के बीच में कनेक्टर का काम कौन करेगा वहाँ पर, एन करेगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इक्वेशन को यहाँ पर लिखता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, एल और सी के बीच में, तो यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन दोनों का जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू एल, मतलब आंसर क्या होगा वहाँ पर, थर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, इधर और ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, डायरेक्ट बनेगा ये। ठीक है, डायरेक्ट बनेगा कि देखो ये बीच वाला कनेक्टर आ गया, मतलब क्रॉस गलत है, और आई और एम ये भी गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फोर। अब आ जाएगा हमारा ये नया सवाल, तीन यहाँ पर इक्वेशंस इस क्वेश्चंस में दी हुई है। कितनी दी इक्वेशन, तीन इक्वेशंस दी हुई है। ठीक है, बनाओ उसको, कैसे बनाएंगे, ये एक होमवर्क का क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, आपको ये होमवर्क में करना है। अगला सवाल, ये डायरेक्ट दिया हुआ है तो ये तो सही हो गया, अगर सी और एच में देखा जाए तो ये गलत हो गया, पहला वाला आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। पज़ल आ गई, पज़ल हम आखिरी में उठाएंगे, पता ही आपको कि पज़ल हम कब करेंगे, आखिरी में करेंगे। ये रहा आपका अगला सवाल। ठीक है, अब ये आ गए हैं सिलॉगिज्म। सिलॉगिज्म के इंस्ट्रक्शन आपको पता ही है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने, हाँ ठीक है, इंग्लिश में भी हिंदी में, चलो। कुछ रेड ब्लू है, कुछ लाल नीला है, यानी कि रेड क्या है, ब्लू है। ठीक है, कोई ब्लू पिंक नहीं है, कोई ब्लू पिंक नहीं है। ठीक है, कुछ पिंक येलो है, कुछ पिंक येलो है। ठीक है, ये इस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे। अब देखो, कुछ पीला कभी भी नीला नहीं हो सकता, कुछ पीला सभी की, जब सभी पीला है नीले में जा सकता है, नहीं जा सकता, क्यों, ये इतना जो पार्ट है ये परेशान करेगा, क्योंकि इतना जो पार्ट है पिंक का वो नहीं जा सकता, तो कभी नहीं हो सकता, तो ये सही हो जाएगा। कोई लाल गुलाबी नहीं है, कोई रेड पिंक नहीं है, आधा सही आधा गलत, मतलब गलत ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे, चलो। नो मैन इज वुमेन
अपने को यहीं सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर दी नहीं। चलो ठीक है, नो मैन इज़ वीमेन, नो वीमेन इज़ गर्ल, ठीक है, नो गर्ल इज़ बॉय, ठीक है, नो मैन इज़ अ गर्ल, मैन का गर्ल से नहीं है, यानी कि जा भी सकता है, आधा से ज़्यादा गलत गलत, नो मैन नो वीमेन इज़ बॉय, आधा से ज़्यादा गलत गलत, ऑप्शन नंबर फिफ्थ, बड़े आओ आगे, ठीक है। शायद इस बार मैंने स्पेस नहीं रखी, ये शायद भूल गया होऊंगा मैं। चलो, ऑल लैपटॉप आर बॉटल्स, ऑल लैपटॉप आर बॉटल, ऑल बॉटल्स आर बैग, बीजी कर दूंगा, नो बॉटल इज डेस्क, ठीक है, सम डेस्क कैन नेवर बी लैपटॉप, सम डेस्क कैन नेवर बी लैपटॉप, कुछ जो डेस्क हैं कभी भी लैपटॉप नहीं हो सकती, ठीक है, कुछ डेस्क कभी भी लैपटॉप नहीं हो सकती, ये बिल्कुल सही है कि जो डेस्क है इस बैग में नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों की लड़ाई है, ठीक है, सम लैपटॉप आर बैग, सम लैपटॉप आर बैग बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा वन आंसर आपका, ठीक है। अगला सवाल, सम अल्फा इज बीटा, सम बीटा इज फाई, ठीक है, ऑल बीटा इज गामा, ठीक है, नो फाई इज अल्फा, ये गलत हो जाएगा, सम फाई इज अल्फा बिल्कुल सही हो जाएगा, आधा से ज़्यादा गलत गलत, ठीक है। अब देखो, फाई भी दिया अल्फा भी दिया है, पॉजिटिव है ये, फाई अल्फा है नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा, इधर और बढ़िया हो आगे, नो मोबाइल इज इरेजर, नो मोबाइल इज इरेजर, ठीक है, सम इरेजर आर ब्लैक, ऑल ब्लैक इज पेन, सम मोबाइल कैन नेवर बी इरेजर, कुछ मोबाइल कभी भी इरेजर नहीं हो सकते, ठीक है, कुछ मोबाइल कभी भी इरेजर नहीं हो सकते, तो बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, सम ब्लैक कैन नेवर बी मोबाइल, कुछ ब्लैक इतना इतना हिस्सा ब्लैक का नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये दे दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सीरीज है, इसको देखते हुए आपको नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है, देखते क्या बोला है, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, ठीक है, इन अ सर्टन वे बेस्ड ऑन देयर पोजिशन इन द अबव अरेंजमेंट, सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज़ द वन दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप, उपयुक्त व्यवस्था में अपने स्थान पर निम्नलिखित में पाँच में से चार निश्चित प्रकार से समान हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा उस समूह का हिस्सा नहीं है, ठीक है, उस समूह का हिस्सा नहीं है ये बताना है। सबसे पहले टी बी परसेंटेज, ठीक है, ये टी बी परसेंटेज, ठीक है, एक की गैप, बिना गैप, ठीक है, आर एफ एच, आर एफ एच ये भी एक जैसे हैं, ठीक है, स्टार टू सी ये भी एक जैसे ही है, एट द रेट सिक्स और अगला क्या आना चाहिए, ई ये भी सही है, अब क्या गलत हो सकता है, क्यू ई ओ, क्यू ई ओ बिल्कुल सही है, इसमें क्या है, हर अल्टरनेट दिया हुआ है यानी कि गैप्स दी हुई है, तो आंसर क्या होगा, फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सच ए नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवेल, देखते हैं उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें से ठीक पहले एक साइन, नंबर से ठीक पहले क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, उसके ठीक बाद वोवेल होना चाहिए, ठीक है, साइन नंबर वोवेल, ठीक है, ये देखो अब क्या करेंगे, साइन देखा, पहला साइन ये है, साइन के बाद नंबर है नहीं है, आगे बढ़ जाओ, ये साइन, साइन के बाद नंबर नहीं है, साइन, साइन के बाद नंबर वोवेल बिल्कुल है, पहला मिल गया, साइन नंबर नहीं है, साइन के बाद नंबर यहाँ पे भी नहीं है, साइन नंबर नहीं है, यानी कि एक ही आंसर है इसका, नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 14 फ्रॉम द राइट एंड इन द अबव अरेंजमेंट, उपयुक्त व्यवस्था में निम्न में से कौन सा तत्व दाएं छो से चौदहवें के दाएं पांचवा है, देखो जब भी डायरेक्शन सेम होगी तो माइनस होता है वहाँ पे, यानी 14 में से क्या करोगे, पाँच घटाओगे मतलब 9, यानी राइट से नवा देखना अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पी आंसर होगा, आगे बढ़ जाओ,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ द एट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द अबव अरेंजमेंट. उपयुक्त व्यवस्था में निम्न में से कौन सा तत्व बाएं से आठवें के दाएं चौथा होगा. अब डायरेक्शन क्या हुई है, अपोजिट दी हुई है, मतलब आठ और चार कितना होता है बारह, तो इधर से क्या देखना होगा, बारहवां तत्व देखना पड़ेगा. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह आए, मतलब आए क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द सिंबल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नाइन टू द लेफ्ट ऑफ एम. यदि उपयुक्त व्यवस्था में से सभी सिंबल्स को प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा एम के बाएं से नौवा होगा. ठीक है, एम के बाएं से नौवा सिंबल्स को हटाना है, याद रखना. तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो ऑप्शन क्या होगा थर्ड यानी सिक्स. सिंबल हटा दिया मैंने, उसके बाद काउंट कर लिया. बस इसके ऐसे इतने ईजी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिलेंगे. ठीक है, अगला ये आ गई पजल हमारी. ठीक है, पांच क्वेश्चन है पजल के. ठीक है, देखो सबसे पहले हम बनाते हैं सबसे पहली वाली पजल जो हमने ड्रॉप आउट की थी, ये रही पहली पजल. ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे. सिक्स पर्सन ए बी सी डी ई एफ गेट अ डे ऑफ ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम द मंडे एंड ऑन द सैटरडे. ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे. ठीक है, छह लोग दिए हुए हैं और अलग अलग कलर भी पसंद करते हैं. ठीक है, अब देखो कैसे होगा ये. ठीक है, अब देखो पजल कहाँ से शुरू होगी. ए सफ़ेद और नीला नीला कलर पसंद नहीं करता है. ठीक है, ए उसी मंगलवार के बाद अवकाश लेते हैं. ठीक है, मंगलवार के बाद मतलब एक दो तीन और ये चार कभी भी हो सकता है. डी सफ़ेद और नीला पसंद नहीं करता है. लाल पसंद करने वाला व्यक्ति शुक्रवार को नहीं अवकाश लेता है. बी को हरा पसंद है लेकिन वो गुरुवार के पहले. ठीक है, ठीक है, बी को हरा पसंद लेकिन गुरुवार के पहले. अब एक दो तीन कोई सा भी जान सकता, मुझे नहीं पता. ठीक है, बी और नीला पसंद करने वाले के बीच में दो व्यक्ति अवकाश लेते हैं. बी और नीले के बीच में दो. ठीक है, एफ इसे पहले अवकाश लेता लेकिन ठीक पहले नहीं. ए उस दिन के ठीक पहले लेता है जिस दिन सी अवकाश लेता. अब यहाँ से पजल शुरू हो जाएगी. ठीक है, पजल हमें मिल चुकी है कि कहाँ से शुरू होगी. ठीक है, कहाँ से हो रही है पजल शुरू. ए उस दिन से ठीक पहले अवकाश लेता है जिस दिन सी अवकाश लेता है. ठीक है, इस स्थिति में हमारे पास दो केस होंगे. ठीक है, अब ये क्या कर रहे थे दोनों, ए और सी मंगलवार के बाद ले रहे थे इसलिए मैंने यहाँ पे काट दिया. मंगलवार के बाद एक ये हो सकता है. ठीक है, ए क्या कर रहा था, सी के पहले ले रहा था. तो देखो मंगलवार के बाद ए सी, ए सी ये दो होंगे केस. यहाँ से पजल शुरू हो रही है हमारी. ठीक है ना, देखो अब सी को नारंगी पसंद है, सी को ऑरेंज पसंद है. यहाँ ऑरेंज लिख देता हूँ, चलो नारंगी लिख देता हूँ, नारंगी. सी को नारंगी पसंद है. एफ और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति अवकाश लेते हैं. ये दोनों ऊपर तो जाएंगे नहीं, एक दो तो एफ यहाँ हो जाएगा. ठीक है, एक दो एफ नीचे चले जाएगा. ठीक है, ये लाइनें काटते जा रहा हूँ. डी मंगलवार को अवकाश नहीं लेता. ठीक है, डी क्या होता है, मंगल को नहीं लेता है. तो डी को यहाँ पे लिख के काट दे रहा हूँ, डी मंगल को नहीं लेता है. या तो सोमवार को लेगा या फ्राइडे को लेगा यहाँ पे. ठीक है, डी तो यहाँ आ ही नहीं सकता ना पहले वाले केस के हिसाब से. अब देखो बी को हरा पसंद है लेकिन वह गुरुवार से पहले किसी दिन अवकाश लेता है. बी को क्या पसंद है, हरा पसंद है. ठीक है, देखते आगे.
बी और नीले के बीच में दो, बी यहाँ रखता हूँ एक दो, नीला यहाँ सकता है, बी यहाँ रखता हूँ एक दो, नीला यहाँ सकता है, ठीक है। बी के दो केस बन रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अगर बी को यहाँ पर रखा एक दो, ये नारंगी बैठा मतलब ऊपर ही बैठेगा, ये बी यहाँ बैठेगा एक और ये दो, तो ब्लू वाला यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। ए सफ़ेद और नीला पसंद नहीं करता है, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, ए को हरा भी पसंद था, ठीक है। अब नीचे क्या बोला है, दूसरे वाले केस को अपन बाद में बनाएंगे, पहला वाला जो केस है ना, डी सफ़ेद और नीला पसंद नहीं करता है, मतलब डी यहाँ नहीं हो सकता, तो डी के लिए केवल एक ही जगह बची है, ठीक है। डी को सफ़ेद कलर पसंद नहीं है, तो सफ़ेद कौन कहाँ बैठेगा, ये यहीं बैठ जाएगा सफ़ेद वाला, ठीक है। अब कौन बचा, ए बी, यहाँ पे हमारा ए बी हो गया, सी डी हो गया और यहाँ ई बचा, ठीक है। अब देखो, लाल पसंद करने वाला शुक्रवार को अवकाश नहीं लेता है, ठीक है। देखते हैं, एफ ई से पहले अवकाश लेता है, ठीक है। एफ ई से पहले हो गया, एफ ई से पहले, ये तो यहीं की ही कैंसिल हो गई, इसलिए अब इसको बनाने का कोई सेंस नहीं है, ये वाला हमारा केस बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। डी सफ़ेद और नीला पसंद नहीं करता है, डी सफ़ेद और नीला, ठीक है, ये भी हो गया, डी सफ़ेद और नीला पसंद नहीं करता है। अब क्या बचा हमारे पास, कौन, ए हो गया, रुको, ए जो है सफ़ेद पसंद नहीं करेगा ना, तो सफ़ेद कौन पसंद कर लेगा, वहाँ पे एफ कर लेगा, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे सफ़ेद लिख दिया, सफ़ेद होगा नहीं वहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास दो बचेंगे, ठीक है, रेड यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे, और ब्लैक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया पजल, ठीक है। सप्ताह के अंतिम दिन कौन अवकाश लेता है, सी, टिक करो आगे बढ़ो। लाल रंग कौन पसंद करता है, लाल रंग का झोला था, डी करेगा, आगे बढ़िया। एफ का अवकाश किस दिन होता है, एफ का अवकाश देखो किस दिन आया, हमने कहाँ करवाया, मंगलवार को अवकाश करवाया, ठीक है। चलो अगला, एक तरह से समूह बनाते हैं ये लोग, और उस समूह में कौन शामिल नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 देखते हैं, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन थे हमारे पास, ए सी था, बी एफ था, डी ए था और ई ए था। ए सी देख लो साथ में बैठे, बी एफ देख लो साथ में बैठे, डी ए देख लो अलग अलग बैठे, तो आंसर क्या होगा, डी ए होगा। क्वेश्चन क्या है, संयोजन कौन सा सही है, तो ये आप देख लेना होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, आप देखोगे ये। चलो अगली पजल की तरफ मूव करते हैं, ये रही अगली पजल, फ्लोर वाली पजल दी हुई है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एक 9 मंजिला इमारत में अलग अलग तलों पे रहते हैं, है ना, 1 से लेकर 9, तो कैसा होगा यहाँ पे, तल 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, इस साइड में इसलिए रखा क्योंकि मेरी स्क्रीन में लिखा लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो जैसे ऊपर और जैसे नीचे रहने वाले लोगों की संख्या समान है, मतलब 1, 2, 3, 4 जे यहाँ बैठेगा, 1, 2, 3, 4 नीचे ऊपर 4, ठीक है। एन और जे के मध्य 2 लोग रहते हैं, जे यहाँ रख दो, 1, 2, N, 1, 2, N, ठीक है। एन और आर के मध्य 4 लोग रहते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एन और आर के मध्य 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एन और आर के मध्य 4 बनती जा रही पजल, ठीक है। के और एम के मध्य 5 रहते हैं, ठीक है। अब देखो,
के या एम को मैं यहाँ बिठा दूँ तो 1 2 3 4 5 यहाँ तो आएगा नहीं, ठीक है। के को 7 पे बिठा दूँ तो 1 2 3 4 5 नीचे आ जाएगा के या एम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। के को यहाँ रखता हूँ पी, ठीक है, के को यहाँ रखना पड़ेगा मुझे और एम को यहाँ रखना पड़ेगा इस केस में, क्यों? क्योंकि उसने आगे बोला है पी सम वाले तल पे नहीं रहता है और पी और के मध्य केवल एक व्यक्ति रहता है, पी और के मध्य, तो पी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब पी एम से ऊपर रहता है, ये भी सही है। ओ और क्यू के मध्य रहने वाले लोगों की संख्या ओ और एल के मध्य रहने वाले लोगों की संख्या के समान है, किसके बीच में बोला उसने, ओ और क्यू, अगर ओ को यहाँ रखें ओ क्यू और ओ एल, तो अपनी पहली वाले केस से तो पजल आसानी से जो है फ्रेम हो रही है, ठीक है, ठीक है। पहले वाले जो पहला वाला जो केस है उससे तो पजल आसानी से जो है फ्रेम कर ली गई, ठीक है, तो यही केस सही होगा। चलो पी किस तल पर रहता है भैया, पी रहता 9वें तल पे, लगा दो। अगला सवाल, ओ आर के मध्य कितने तल हैं, ओ और आर के मध्य 2 तल हैं, चल बढ़ो आगे। 7वें तल पे कौन रहता है, 7वें तल पे के रहता है, लगा और बढ़ो आके। एम और ओ के मध्य तल पे कौन रहता है, और एम, ओ और एम, 1 2 1 2 आर रहता है, चलो आगे बढ़ाओ। के और एम के ठीक बीच में कौन रहता है, के और एम के ठीक बीच में के ये रहा एम ये रहा, 1 2 1 2 तो क्यू रहेगा, इनमें से कोई नहीं, चलो ठीक है। अब एक पजल आखिरी बची हुई है हमारी, होमवर्क में करोगे पता ही नहीं करोगे, ठीक है। 8 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ये देखो ये 8 लोग हैं, ठीक है, कुछ का मुख क्या है, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब देखो ये तो तुमको ही बनाना पड़ेगी, तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। अब क्योंकि मैं बाय मिस्टेक मैंने बहुत ज़्यादा गैप दे दिए यहाँ पर और आखिरी में पेज खाली रखा है, तो ये बार बार स्क्रॉल नहीं कर पाऊँगा, तो आपको ये होमवर्क में पजल देता हूँ, इसका आंसर मैं दे दूँगा आपको। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 85 तक, और क्वेश्चन नंबर 86 से 90 आपको होमवर्क दे दिया है 90 का। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा, सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।